हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल घर का स्वाद में। आज हम बनाएंगे बेसन का डोसा। बहुत ही क्रिस्पी डोसा बनता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ये ले लिया है मैंने 1 कप बेसन। ये मैंने साफ करके बेसन लिया है। इसको डाल दूंगी मैं एक बड़े बर्तन में इस तरह। और अब लिया मैंने ये 4 चम्मच चावल का आटा। इसको भी डाल देंगे बेसन में। 1 चम्मच नमक लिया है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर। इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे पानी डाल के इसका एक पतला सा बैटर बना के तैयार करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे पानी डाल के इसका घोल बनाएंगे। इसको खूब अच्छे से फेंट के, इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। इस तरह से 2-3 मिनट खूब फेंट लेंगे इसे हम। अब ये तैयार है। अब हमने लिया 1 कटोरी, इसमें डालेंगे 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच पिसा हुआ भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक डालेंगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने गैस में एक पैन चढ़ा दिया है गर्म होने को। इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल लगा के इस तरह पूरे पैन में फैला लेंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको एक साफ कपड़े से इस तरह कोस लेंगे। अब हमने जो बैटर बना के रखा था इसको चम्मच से पैन में डालेंगे इस तरह। और इस तरह धीरे धीरे इसको फैलाएंगे पूरे पैन में। आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं डोसा को उतना बैटर डाल सकते हैं इस तरह से। ये देखिए बहुत अच्छे से फैल गया है ये। अब हम इसकी साइड से थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देंगे। थोड़ा सा ही डालना है ऑयल। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया है इसका। और ये बहुत ही आसानी से पलट जाता है। ये देखिए बहुत ही अच्छा डोसा बन के तैयार हो रहा है। अब हमने जो मसाले कटोरी में रखे थे उनको हम थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह से पूरे डोसे के ऊपर फैला देंगे। और हमने अब ये पनीर लिया है, इसके ऊपर हम पनीर को इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए मैंने पनीर को भी डाल दिया है इसके ऊपर से। अब थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी। ये देखिए आप इसके ऊपर आलू का मसाला या प्याज भी डाल सकते हैं। ये देखिए हम अब इसे ये देखिए पलट लेंगे इस तरह से। ये देखिए अब हम इसको मोड़ के दिखाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी डोसा बना है। ये देखिए अब ये तैयार है। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी डोसा बना है, बहुत ही अच्छा बना है। अब हम एक और डोसा बना के दिखाते हैं। पैन में हम फिर से तेल डाल के पानी डाल के पैन को इस तरह से पोंछ लेंगे। फिर हम बैटर को इस तरह डाल के फैलाएंगे। ये देखिए वही तेल की बूंदे डालेंगे साइड में थोड़ा थोड़ा। ये देखिए ये भी पलट बहुत अच्छे से बन गया है। अब हम इसके ऊपर ये मसाला डालेंगे जो हमने मसाला बना के रखा था, अमचूर पाउडर, चाट मसाला, जीरा, भुना हुआ जीरा। और हम डालेंगे इसके ऊपर कद्दूकस करा हुआ पनीर, हरा धनिया। ये देखिए ये भी बन के तैयार हो गया डोसा। यह देखिए इसी तरह हम सारे डोसे बना लेंगे। ये देखिए ये मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है। ये भी तैयार हो गया है। ये वाव, इसी तरह से मैं सारे डोसे बना के तैयार कर लूंगी। ये देखिए ये मैंने थोड़ा सा और बड़ा बना के तैयार किया है। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े बना सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। ये देखिए, ये देखिए अब हमें ये दही और हरी चटनी के साथ तैयार है खाने के लिए। ये देखिए बहुत ही जल्दी बन जाता है। और एक बार बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं।